पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? ऑप्शन बी कोटा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन सी कांगड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता बादोसा कहलाते हैं? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, बाई पीओसी का कापी से वही संबंध है जो खालिस्तान पेस्ट से है? तो गाइस ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है मैं हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका कहता है ये वाला देख लेते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए चार शब्द दिए गए इनमें से तीन शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द जो है वो भिन्न है, उस शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सूरजमुखी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? ऑप्शन बी सीपीयू। अगला है, एक इमारत के ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन सी सारनाथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन सी सिक्किम। डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी स्टार प्लस। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियम किया गया? ऑप्शन ए 2018। और महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन डी जोधपुर। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? ऑप्शन डी बाड़मेरी। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए 1953 में। और अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सही का सबसे सर्वोत्तम निरूपण किस बेनारक का चयन करें, जैसे कि फल सब्जी अमरूद दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं कि नीचे चार शब्द दिए गए इनमें से तीन शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, उस शब्द का चयन करना है। ऑप्शन सी नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है, किसने कुषाण वंश की स्थापना की? तो ऑप्शन डी कुजला कडफिसेस। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? ऑप्शन बी कजरी। अगला, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर उसके प्रियजनों की मृत्यु दिखाकर उसके साथ किया गया आगे जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचानी मतलब पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान
निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? ऑप्शन सी धारा 376 बी में। तो गाइस ये किया गया धारा 376 बी में। अगला है एनला एनल्स एंड एंटीफिक्टीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी आपकी ये का इसका जो आंसर होगा गाइस मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स टोड। राजस्थान के किस जिले में कपास बन सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन डी श्री गंगानगर। अगला है राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहन वीणा। निम्नलिखित में कौन वर्तमान 2019 राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य संकेतक चीफ विप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर महेश जोशी। अगला है बेनारे का क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे सर्वोत्तम निरूपण करने वाले बेनारे का चयन करना है। एक में देखिए पशु पौधे और खरगोश हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। और निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एज। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1191 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय जो उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धारा 376 डी, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। और एक था कि गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? 46 ऑप्शन डी क्रिकेट से। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन ए बप्पा रावल। जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। वर्तमान 2019 में घटित लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए रामचरण बोहरा। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रोसोपिरा सिनेरेरिया। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वो देख लेते हैं कि क्या है। रैम के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री कॉन्टैक्ट लुप्त नहीं होती है, तो ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? ऑप्शन डी ध्वनि प्रबंधन या साउंड मैनेजमेंट। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1973 में। किसने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग में जीत प्राप्त की? ऑप्शन ए मुंबई इंडियन। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो ऑप्शन ए यौन उत्पीड़न के लिए सजा। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो ऑप्शन डी भरतपुर। राजस्थान के किस शहर को थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ओके अगला है आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था?
ऑप्शन बी भरतपुर। भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अंतिम MiG-27 स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। कि इसमें से आपको क्या करना है कि विषम विकल्प का चयन करना है। तो गाइस, तो विषम जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लेजर जेट प्रिंटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं या कह सकते हैं यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन बी मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मराठा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। लियोनेल मेसी, मेसी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन सी फुटबॉल। जिन बाघों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए सिविल ड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? ऑप्शन डी वाड़मेर। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे, कौन है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका, देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाब चंद्र कटारिया। महाराजा सूरजगत का अन्य नाम कौन सा था? तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑप्शन डी सुजान सिंह। अगला क्वेश्चन जो है गाइस, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर जनवरी 2020 तक के अनुसार कर दी गई है? ऑप्शन ए पांचवी। अब देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका उसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है आपका। तो ये कहता है कि एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी या की का संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स। अगला है खालिस्तान नदी को शोक की नदी के रूप में जाना जाता था, तो ऑप्शन डी दामोदर। संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? ऑप्शन बी बीजेपी। एक और है क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा धुंधला है और ऊपर से कटा हुआ है, तो गाइस देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज तो पेपर का जो पेपर है थोड़ा सा धुंधला है जिससे कि साफ नहीं नज़र आ रहा, तो अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा विद आंसर के साथ। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।